अभी आ गया आ गया ये करना है। ये लीजिए आ गया। मैम आपका डोसा और कोई हुक्म मेरे यहाँ का? इतना खा गई अभी देखियो कितनी कटोरियां खा गई ये दिव्या, अभी देखियो कटोरियों की लाइन लगा देगी पहाड़। वेज कोरमा होता है वो मिक्स वेजिटेबल, पता नहीं हां नहीं है, साउथ में रहती है, मैं 3 साल में समझ गई, ये 5 साल में 6 साल में समझ गई। वो देख कितनी कटोरियां, देख लाइन देख लगा दी सारी खा गई। सो भी हमारे निकलने से ये पहले वाली रात है जो हम पैकिंग कर रहे हैं, इसका ये वाला बैग है, मेरा ये वाला बैग है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने ड्रोन रख लिया, कैमरे रख लिए हैं, बाकी अभी कैमरे यहाँ पे चार्ज भी हो रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह रख ली अपनी सारी चीज़ें, ये मेरे कपड़े वगैरह हो गए, और ये हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। ये वाला कैमरा तो अंदर जाएगा नहीं क्योंकि ये तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा, और बाकी मैं अभी इतनी देर सोच रहा हूँ एक बैग अभी ये भी लेके जाना है, टोटल हमारे पास 3 बैग है और हम जा रहे हैं वाराणसी। ये वाला तो मेरा लैपटॉप बैग है, बाकी ये वाला और वो वाला हमारे कपड़े वाले बैग हैं। और ये आई है जयपुर से, सुबह डोसा खा चुकी है, आपने देख लिया होगा, और रैप भी खा चुकी है, और इसने रैप भी खाया, वो बाद की बात है छोड़ो। तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी भाई हम ना थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि ना टाइम ना अभी फ़ोन कहाँ है, टाइम अभी 4:29 हो गया, थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा ऐसे चलेंगे स्पीड में। पहले हमें बस एक बार रेलवे स्टेशन पहुँचना है, एक बार ट्रेन ले लें, उसके बाद तसल्ली से आराम से बैठ के फिर बात करेंगे। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं हम दोनों वाराणसी, बनारस, काशी, बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री है वहाँ की, बहुत लंबे लंबे इतिहास रहे हैं, बस वहीं पे जाना है, फटाफट से निकलो, कहाँ है लॉक 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 लॉक, चलो अभी मैं नहा धो के रेडी हूँ, चलो लाइटें बंद करो पहले फटाफट। हाँ क्या ये लिए पकड़ भाई, हम जा रहे हैं चप्पल उप्पल पहन के, ज़्यादा कोई भड़क नहीं देनी क्योंकि हमें बाप करना गंगा जी में रहना ज़्यादातर, रोज़ रोज़ घाट वाट मंदिर यही सारी चीज़ें घूमनी है काशी जी के, बस तो इसीलिए ओम नमः शिवाय। यहाँ पे खड़ी है मेरी बाइक, है भगवान बस ध्यान रखना, और यहाँ पे हैं अपने भाई लोग जिनसे मैं आज नहीं मिलना चाहूँगा, चलो चलो भागो। PNR इतना ट्रेन नंबर 22436 हाँ वाराणसी वंदे भारत, दिल्ली खड़ी है, न्यू दिल्ली कहाँ पे है 16 प्लेटफॉर्म 16 नंबर। बड़ी मुश्किल से अभी एक ऑटो बुक हुआ है, बहुत देर से ट्राई करते करते, और अभी ओला से देखो अभी आ रहा है कि 3 मिनट दिखा रहा है, और 4:40 हो चुके हैं, फटाफट से हमें ना भाई आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फैसल प्लेटफॉर्म पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि ना हमें ना एक्जैक्टली ना देखो हम जाते हैं अजमेरी साइड ही, हमारा जो है 16 नंबर से हमारी ट्रेन है, बट पता नहीं न्यू दिल्ली में ना 16 प्लेटफॉर्म जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, अगर हम गलती से दूसरी साइड पर अगर पहुँच गए ना तो उसके बाद तो भाई फिर भागना पूरे 16 प्लेटफॉर्म की तरफ तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए टाइम का थोड़ा सा बीच में मार्जिन लेके चलना पड़ता है। ये गलत लेन से आए थे ना भैया। सो फाइनली वी रीच एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अभी हमें ऊपर जाना है स्टेयर से एलिवेटर से, फिर हमें देखना है आगे, हमारा शायद फर्स्ट प्लेटफॉर्म ही है 16, तो वहाँ पे हमें लेनी है वंदे भारत। हमारा खाना भैया ले आए हैं, पानी की बोतलें उतार रहे हैं, ये देखो क्रेटें भरी हुई हैं, ये हमें अभी खाने को मिलेगा, ये देखो कितने खुश हो रही है, इसको खाना मिलेगा, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे है भाई, वो तो है, यूं थोड़ी है फ्री में मिल रहा था, ठूस लो, फ्री में नहीं मिल रहा मैडम, ये मत भूल 3 गुना पैसा दिया है तेरे भाई ने, तेरे को एक 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए 3 गुना पैसा भरा मैंने, और तू मेरी ऐसा धिक्कार कर दिया, तूने फ्री में मिल रहा है भाई, अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद है ये, क्या करें। पे एयर होस्टेस वाला स्टाफ है, जैसे कि प्लेन में होते हैं ना एयर होस्टेस, पैसे ये हैं, ये जो अभी सामान वगैरह इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, वेंडर्स, फूड वेंडर्स, नहीं वेंडर तो वो होते हैं ना, ओनर होते हो तो बेचते होते हो, तो हमारे अकाउंट में होते हैं, ये है मेल एयर होस्टेस, आज के लिए आते इनको ऐसा रख देते हैं आज, नहीं बाद में पढ़ के बताएंगे, नीचे स्टार लगा देंगे ना यहाँ पे, टच नहीं, एयर होस्टेस उनको बोलते हैं, अच्छा ट्रेन होस्टेस, नहीं नहीं अरे रेल होस्टेस, अरे वो फीमेल को बोला जाता होस्टेस, होस्ट, फूड डिलीवरी एजेंट, एजेंट विनोद, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, कुबेर खा रहा है वो, मत दिखा
सर का नाम अभी बताते हैं, कुबेर मुंह में लगा दिया। बनारस को जाने वाली 22,436 ट्रेन नंबर 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लगाई जा रही है। हमारी ट्रेन आ गई। दिस इज आवर कोच, इसमें जाएंगे हम दोनों राजा बाबू बन के। ये तो मुश्किल जा पाएगी, इसके पास तो कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक गेट्स खुल रहे हैं ट्रेन के। कैसा लग रहा है तेरे को मेरे साथ एरोप्लेन में बैठ के? इसने मेरे से सीट छीन ली है, यह वाली विंडो वाली, और इतनी गंदी शक्ल बना के लिए ना मैं राजा मेरे को नहीं बैठना यहाँ पे। अब वो भी बताऊँगा क्यों। एक होता है बन डर जो इसका भी बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ से तो बाहर निकाल नहीं सकते इसको ट्रेन से। इलीगल काम करती है। यहाँ से तो जल्दी से उठा के भगा देंगे ना। इसलिए पर पीछे गेट है, इसका इत्तेफाक भी देखो, ये रहा पीछे गेट। चलिए कहेंगे निकल पहली फुर्सत में। और वो क्यों कहेंगे वो मैं बताना नहीं चाह रहा, बता भी नहीं सकता। एक सस्पेंस है, जो भी इसको जानने के लिए उत्सुक है वो कमेंट करें, इससे ना पूछें। उससे क्या होगा, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। इतनी देर से ना हम ढूंढ रहे थे चार्जिंग सॉकेट, तो ये पूछ के आइए चार्जिंग सॉकेट कहाँ पे। इतने देर से हमें मैंने नहीं रहा था कहाँ पे है, कहाँ पे है वंदे भारत में। ये देखो यहाँ पे है। ओए ये टन, हाँ ये रहा। तो नीचे लगे हुए हैं दो सॉकेट जिससे अब हमारा लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। पर सबसे पहले कुछ खाऊंगा, चाय पीऊँगा, क्योंकि अभी चाय का टाइम होने वाला है। टी टाइम, बिस्किट्स, फिर उसके बाद एडिटिंग, फिर ब्रेकफास्ट, फिर एडिटिंग, फिर कुछ जूस, फिर एडिटिंग, फिर लंच, फिर एडिटिंग, फिर आइसक्रीम, फिर डेजर्ट, फिर एडिटिंग, फिर उधर। सुबह सुबह आया सबसे पहले संडे टाइम, करेक्ट 6 बजे चल पड़ी है। अभी 6:01 हो गया, मतलब कि वीडियो मैंने बाद में स्टार्ट करी है। ट्रेन अपनी निकल गई है, ये आज इंग्लिश सीख रही है। कोविड तो बढ़ता रहा है। सबसे पहले पानी के साथ वेलकम। हमारी मैथ्स की टीचर देखो ट्रेन के अंदर पेन भी लेके आई है, ढूंढ रही है, अब खेलेगी सुडोकू। ये देखो निकल लिया इससे पैदा पता। मैं वापस अपनी सीट पे आ गया हूँ, क्योंकि उधर से एंगल अच्छे नहीं आ रहे थे। थोड़ी बहुत रोशनी होनी शुरू हो गई है, थोड़ी सी। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट। इसने कर दिया ये पूरा सर। ये अब ये वाला ट्राई करती हूँ। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर है सैंडविच, जूस, कर्ड, केक, एक और ये क्या है कुछ होगा, कटलेट। गेट दिस सॉल्ट एंड पेपर। खाना सही में बहुत टेस्टी है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि रेलवे, इंडियन रेलवे में इतना टेस्टी खाना होगा, है ना। सो यम्मी ना, कटलेट भी बहुत टेस्टी था और सैंडविच भी बहुत टेस्टी है। मतलब सब चट कर गए हम, सब कुछ नहीं छोड़ा। फिर 2 घंटे हो चुके हैं मेरे को सोते हुए, आंखें देखो बिल्कुल कैसे हो रही हैं। गर्दन में थोड़ा सा दर्द है लटक लटक के ऐसे सोते हुए, बाकी बाहर तो अभी बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है।
11 बज चुके हैं, 11 बज गए ना। अगले 3 घंटे में हम होंगे वाराणसी बनारस, क्योंकि खाना खाते ही पता नहीं कौन सी नींद ये गोली डाल के दी थी, क्या दिया था, खाना खाते ही ऐसी नींद आई है। मैं तो बहुत बढ़िया सो रहा हूँ, बहुत नींद ही आती है। हाँ वो तो है, खाना खा के नींद तो आती है, पर मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई। बॉडी खाने को जब डाइजेस्ट कर, खाना खाने के बाद डाइजेशन में लग जाती है ना बॉडी की पावर, तो वो बंदे को इसलिए बंदा सो जाता है। साइंस के लोग हैं ये। राइट नाउ इट्स 12:18। अभी ये स्टेशन है प्रयागराज, जिसको अलाहाबाद भी कहा जाता था, बट अभी इसका नाम प्रयागराज हो चुका है। यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी थी, इससे पहले रुकी थी लखनऊ, लखनऊ के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रुकी है, और अब सीधा रुकेगी वाराणसी कैंट और फिर वाराणसी बस। अब वाराणसी रुकेगी, अब नहीं कैंट पे रुकेगी, नहीं रुकेगी, मैंने देखा, मेरे ख्याल से तो रुकेगी कैंट। देख ले अच्छा, कानपुर रुकी थी वाराणसी, लखनऊ नहीं रुकी, कानपुर रुकी, अच्छा सॉरी लखनऊ नहीं, कि लखनऊ नहीं रुकी थी, कानपुर रुकी थी, और अब सीधा रुकेगी वाराणसी जंक्शन। कोई वाराणसी कैंट नहीं रुकेगी, पर बीच में आएगा बनारस वाराणसी कैंट वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। 2 बजे, हाँ करेक्ट 2 बजे, 1 hour 40। इन सब्जियाँ आ गई हैं, कर्ड आ गई है, पिकल आ गया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, खोल के देखनी पड़ेगी, खोल के चेक करते हैं। भूख लग रही है मेरे को तो बहुत देर देख के। दाल है, पीली दाल, आइसक्रीम आएगी भाई मेरी, वो है तो हर बार मेरे को निकला हुआ मार। इतनी देर से ये कह रही थी आइसक्रीम नहीं आ रही, आइसक्रीम नहीं आ रही, मैंने कहा था ना आएगी, टाइम देख रही थी इतनी देर से। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं एसी ट्रेन में बैठा हूँ, तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसका पता नहीं, ये तो बहुत बार बैठी है स्पीड वाली, मैं पहली बार बैठी हूँ। हाँ ये तो बुलेट ट्रेन है ना, बट ठीक है, मैं अभी तो बहुत खुश हूँ कि मेरा पहला एक्सपीरियंस सीधा वंदे मातरम में है, वंदे भारत में। दिस इज द एग्जीक्यूटिव लॉन्च। अराउंड 5 किलोमीटर है काशी विश्वनाथ टेंपल, वहाँ का हमने लिया। अभी हमें कोई भी, हमारे पास होटल वगैरह कुछ नहीं है ना कोई धर्मशाला, तो अभी स्टेज वगैरह अभी देखने हैं, वहीं पे देखेंगे जो भी हमें अगर सही से सूटेबल लगता है। हमको ऑटो वाले भैया ने कुछ होटल्स दिखाए थे पर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो अभी यहाँ पे गोस्ट ऑफ मेरे को मिल नहीं रहा है, पर कल से अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि आज तो वो सोल्ड आउट है। तो यहाँ से अभी मेरे को छोड़ दिया गया, सामने वन वे है, तो गो स्टॉप देखते हैं। गो स्टॉप पे जा रहा हूँ हम, यहाँ से 400 मीटर हमें पैदल जाना है। पूरी K2 के राइड पे मैंने सारे गो स्टॉप में स्टे लिए थे जहाँ भी मेरे को मिला था। देख पा रहे हो अलग अलग कलर्स का, ये है गो स्टॉप, यहाँ पे पता करते हैं, क्योंकि ना ऑनलाइन ना मेल तो दिखा रहा था, फीमेल मेरे को डॉम नहीं दिखा रहा था। अब देखता हूँ यहाँ पे अगर ये अवेलेबल है तो। गो स्टॉप में तो देखो रूम मिला नहीं, क्योंकि ना फीमेल डॉर्मेट्री और मेल डॉर्मेट्री उनके अलग अलग है, तो फीमेल वाली के अंदर ऑक्यूपेंसी नहीं थी, इसलिए हमने अभी वहीं से मुस्टैच बुक करा, और मुस्टैच यहाँ से 2 किलोमीटर है। ऑटो वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं, तो हम पैदल जा रहे हैं घाट से, घाट के आसपास है वो, और ये तो मार्केट में था तो वहाँ से व्यू भी अच्छा है। मुस्टैच हमें फिर भी मिल गया और मिक्स डॉम में मिल गया, तो दोनों आराम से साथ में रह सकते हैं। और अभी कैमरे की बैटरी कम है, तो सीधा वहीं पर मिलते हैं और वहीं पर फिर आगे की बात करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज लग रही है और पैदल चलना पड़ रहा है, बुरा हाल हो गया। दिस इज द टोटल आइटिनरी to visit around Varanasi. अभी याद आ गया, ये करना है, ऐसे हमें सारे रास्ता बताते हैं, इसको समझ में आ जाते हैं। पता नहीं बचपन से जन्म में क्या गुटखा खाती थी, कैसे इनकी भाषा समझ जाती है। मेरी शादी यूपी में हुई है। अभी हम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर हमने रेस्ट भी नहीं करा, मतलब कि बैठे ही थे बस, और हमने हॉस्टल में अपना डॉम ले लिया। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं 80 घाट पे, 80 घाट पे यहाँ पे 5 मिनट का रास्ता है, और अभी शाम के बजने वाले 5। मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख, और ये है अपनी किस पे, इंट्रोवर्ट किस पे है तू, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे, इंटरमीडिएट ये है ये अपनी है, इंटरमीटेंट फास्टिंग पे। और खा लिया सुबह 2 बार खाना खा लिया मैंने, इसने 8 घंटे रच के खाया, अब 16 घंटे कुछ नहीं खाएगी। ककड़ी खाऊंगी, ककड़ी बड़ी अच्छी मिलती थी। ककड़ी हाँ, रेडी में ककड़ी मिलती थी बड़ी अच्छी। अच्छा
तो पहले तो मेरा मन कर रहा है कि नदी में जाके बैठने का, मेरा भी। और उस साइड, इस साइड तो 80 घाट है, मैं हम 80 घाट के पास में ही है, और दूसरी साइड उसके अपोजिट साइड है वाराणसी बीच। हम अभी यहाँ पे 80 घाट पे हैं, और यहाँ पे सारी बोट वगैरह राइड वगैरह होती है। यहाँ पे 40 रुपीज़ में फेरी का चार्ज है, और वैसे अगर आप बोट लेते हो तो पता नहीं कितने भी आपसे मांग सकते हैं, हमसे तो 4,000 तक भी मांग चुके हैं। और बाकी वो जो आप सामने देख रहे हो वो पूरी टेंट सिटी है, टेंट सिटी के अंदर भी आपको रूम वगैरह मिल जाते हैं, और अभी टेंट के रूम बने हुए हैं, और उसका उसके चार्जेस 6,000 से शुरू होते हैं और 50,000 तक भी जा सकते हैं। यहाँ से बोट करके उधर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे 80 घाट पे अभी होने वाली आरती, 6:30 बजे आरती होगी, और अभी तो हुए हैं 5:15, तो थोड़ी देर घूम लेते हैं फिर आराम से बैठेंगे, है ना। अभी एक तो आरती यहाँ होएगी, एक यहाँ होएगी, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे हम रिकॉर्ड करें। सबसे बढ़िया जिंदगी तो ये जी रहा है। Thank you.